काफी सॉफ्ट है। ओके सर, हेलो एवरीवन, कम बैक टू माय चैनल जुबेर से ब्लॉग। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत चलेंगे। तो गाइस हमारा आज का जो ब्लॉग है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइस आज भाई के पास ना रैबिट्स आए, जो एंगल रैबिट्स है काफी ज्यादा डिमांड चल रहे। तो वो एक रैबिट आए और भाई बेबीज आए बहुत सारे फिक्स आए, तो आज हम वो बेजा कवर करने वाले। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई लेके आए इनकी। काफी सॉफ्ट है, तो ये बेबी से कितनी एडल्ट है? ये बच्चा है अभी, ये मतलब 8 मंथ का बेबी है। और ब्रीडिंग पेयर भी मिल जाएगा जिसको अगर चाहिए, जिसको अगर बच्चे चाहिए बच्चे मिल जाएगा। इसमें ब्राउन, ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग कलर होता है, ये ब्लूइश दिखता है, ब्रिटिश कलर बोलते हैं इसको, ये कलर भी मिल जाएगा, व्हाइट कलर भी मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा मतलब रखने के लिए बहुत ही अच्छा है, जो सबसे एकदम कॉटन में है, जो पर्शियन कैट पालता है वो सबके लिए तो ये एकदम फरी बॉल है, पूरा बॉल की तरह फरी। और ये प्योर क्वालिटी है इसका, आप ये भी देख सकते हो, इसकी ईयर देखिए, इसका लेफ्ट का साइज देखिए कितना खूबसूरत है। ये मेल है और ये फीमेल है, देखो फीमेल से दिखा रहा हूं। तो ये दोनों में मेल फीमेल डिफरेंस क्या रहता है? इसमें मालूम पड़ जाता है, जो भी अगर आएगा मैं उसको इनसे लाइन दिखा दूंगा डिफरेंस उसका। और ये देखिए ये फीमेल है अंगोरा की, काफी क्यूट दिख रही है, बहुत ही एक्टिव और बहुत ही ये चंचल बोल रहे हैं। अभी इसको मैं उठा के भी दिखा देता, बट ये बहुत ज्यादा फास्ट है, तो खाने में बिजी रहता है। तो लोग क्या खाते हैं, क्या देना पड़ता है उनका? देखो उनको गाजर बीटरूट ये सब जो उनका फूड होता है वो भी मिलता है मार्केट में, रेडीमेड फूड भी मिल जाता है। और इसको गाजर हो गया, पत्ता गोभी हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ्रूट्स है जो वेजिटेबल्स जो खिलाना पड़ता है उनको। तो कितना टाइम देना चाहिए इनको? ये तो खाने के लिए आप इसको दिन भर दोगे दिन भर खाएगा, बट इसको ज़्यादा फूड नहीं देना। जैसे देख कितना फैटी हो चुका है, कितना फैटी है अगर आप इसको देखोगे तो, इतना बड़ा ये खरगोश है। और इसका यहाँ से देखो इसका पूरा फरी बॉल है, और इसका ज़रा भी टेम नहीं है, कंडीशन है, नॉट्स नहीं है हेयर में, एकदम क्लीन साफ। तो उसको ट्रेन करना पड़ता है कि ऐसे रखते हैं? नहीं, अगर जिसको जैसा लगता है वो ऐसा कर सकता है, कि ग्रूमिंग भी होती है, ग्रूमिंग भी कर सकता है। बट ये जो मेरा रैबिट है पूरा क्लीन है, एकदम साफ सुथरा है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और कितना मोटा है आप ये देखिए, फ्लफी टाइप है पूरा, बहुत फ्लफी है। और ये जो ब्रीडिंग जो करता है, इसका ब्रीडिंग बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं है, और इजी टू केयर है, एकदम इजी टू केयर है। जो पर्शियन कैट रखता है वो ये आराम से रख लेता है सर, इतना इजी टू केयर है। और बेस्ट से रखने के लिए ट्रेन होता है, आप देखिए तो यहाँ पे पूरा घूमता है यहाँ पे, और बराबर वो पूछ करने के लिए उसका टूथ ट्रेन भी हो जाता है, तो ये पूरा ट्रेन हो जाता है, इसमें आपको तकलीफ नहीं आती गंदगी की। तो लोग ब्रीडिंग सीजन कब रहता है? ये ब्रीडिंग और सीजन चलता है इसका, जो होता है ये पाए जाते हैं ठंडी जगह पे, जहाँ पे ज़्यादा ठंड होता है, पहाड़ होते हैं, हिमालय की जगह पाए जाते हैं। ये तो आपको इजीली मेरे पास अवेलेबल है, आपको जितना चाहिए उतना पीसेस मिलेगा, अच्छे रेट से मिलेगा, अंगोरा रैबिट है। तो गाइस ये अंगोरा रैबिट है, किसको भी चाहिए रहेगा। तो ये ऑल सीजन में आता रहता है, भाई को कॉन्टेक्ट करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ये बता देंगे आपको। ये फुल टेम है, एकदम टेम है, जंगली नहीं है, भागी दौड़ना है, प्लेफुल है एकदम, बाइट उठ नहीं करता है ना? नहीं नहीं, हमें देख लिया कितने प्यारे लोग दो रैबिट्स है, जो एंगोरा रैबिट्स देख सकते हैं आप, पूरा प्लेफुल है। जिसको भी चाहिए भाग कर बता देना, कॉन्टेक्ट नंबर में देखो, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो अभी यहाँ पे चिक्स भी है बहुत सारे बेबी से, तो चलिए उनको भी आपको दिखाए थे कौन कौन से वैरायटी के। तो अभी कल भाई ने ना बहुत चिक्स निकाले अलग अलग वैरायटीज के, अलग स्पीसीज के, तो चलिए अभी देखते हैं कौन कौन से तो आपको दिखाते हैं। तो भाई सबसे पहले आप कौन सा दिखाना चाहोगे? मेरे पास सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये सारे बर्ड्स अवेलेबल है, ये हैंड फीडिंग फिश है, ठीक है। इसमें पाइनएप्पल कलर है सबसे पहला जो बर्ड है, पाइनएप्पल पाइनएप्पल कलर किया जाता है, इसका कलर के हिसाब से इसका पाइनएप्पल कलर नाम है। ये स्मॉल यूनिट की न्यूट्रिशन है, और ये हैंड फिड पर है जिसे खाना मांग रहा है, ये पाइनएप्पल कलर है, ठीक है। और ये भी जो है ये भी पाइनएप्पल कलर है,
फुल टेंड हो गए ये बच्चे अभी हैं के। अब ये जो दूसरे आ रहे हैं इसको छोटे जो बर्ड्स है इसे अफ्रीकन लॉबर्ड्स बोलते हैं। अफ्रीकन लॉबर्ड इसमें मेरे पास ब्लू मास्क की वैरायटी अवेलेबल है, जैसे आप देखते हो मास्क होता है इनके चेहरे पे और ब्लू मास्क बोला जाता है इसको, ब्लू मास्क। और ये जो है ब्लैक मास्क है, ब्लैक मास्क का भी बेबी है एक मेरे पास, ये ब्लैक मास्क का बेबी है। और इसके अलावा मेरे पास बहुत ही एग्जॉटिक में जो आता है अफ्रीकन लॉबर्ड्स है उसको ग्रीन ऑफलाइन बोलते हैं, ग्रीन ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो बहुत हेल्दी है ये भी, बहुत हेल्दी है, बहुत एक्टिव है, कोई भी बीमार नहीं है, सब एक्टिव है। और उसके बाद फिर मेरे पास येलो सैरेट कजन भी अवेलेबल है, इसे येलो सैरेट बोला जाता है। अब इसका जो येलो सैरेट इसलिए बोला कि इसके साइड में येलो होता है, हेड ब्लैक होता है, डार्क कलर होता है। अब पाइनएप्पल और इसमें दोनों में डिफरेंस होता है, आप देख सकते हो दोनों बर्ड में डिफरेंस है, कलर का साइज सेम रहेगा, बर्ड की स्पीशीज सेम है, कलर डिफरेंस रहेगा। तो अभी ये बेबी एकदम स्मॉल बेबी से, हाँ ये स्मॉल बच्चे है। तो ये वाले अभी कौन से आपने बताया भाई? ये पाइनएप्पल कलर है, पाइनएप्पल कलर ये 3 टाइम A19 हैंड फिटिंग से बड़ा हो रहा है मेरे पास, जिसको हैंड फिटिंग भी मिलेगा, जिसको सेल्फ फिटिंग के सेल्फ फिटिंग भी मिल जाएगा। और उसके बाद ये अफ्रीकन लॉबर्ड से कुछ बच्चे हैं ये भी अवेलेबल है, आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए, ये भी मिल जाएंगे। और येलो सेल्ड के मेरे पास छोटे में हर साइज के बर्ड्स मिल जाएंगे, मतलब यार जो भी साइज का बेबी चाहिए, सेमी एडल्ट बेबी जो भी चाहिए सब मिल जाएगा, सब अवेलेबल है। देखिए एकदम स्मॉल साइज में ये है ना, कौन सा गया था इसका नूर, ये बेबी, हाँ ये पाइनएप्पल कैनून है, ये येलो सैरेट के बच्चे हैं और ये अफ्रीकन लॉबर्ड से कुछ बच्चे हैं, देख सकते हो ये। और इसके अलावा येलो फिशर भी अवेलेबल है, येलो फिशर अफ्रीकन लॉबर्ड का बेबी भी अवेलेबल है, ये बहुत छोटा है अभी, हैंड फिटिंग, हाँ हैंड फिटिंग पे काफ़ी अच्छे रेट में इनको तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। गाइस कैसे लोग फीडिंग मांग रहे देख सकते हैं, दादी दे छोटा सा दे लास्ट में, तो कैसे एक लॉरी है तो मैं उसको बाहर निकाल कर वो दिखाता हूँ। तो गाइस अब देखते हैं मेरे पास एक लॉरी है और इधर पे कैप साइड कर रही है, मस्ती कर रही है, बाइक बाइक नहीं करना, बाइक नहीं करना। मैंने भी आपको बहुत सारे ब्रीड्स दिखा दिए स्पीशीज अलग अलग बर्ड्स के, तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।